मसन, आज हम लोग बात करते हैं कि व्हाट एक्चुअली डीएमआईटी और फेमस फिंगर्स एनालिसिस इज। देखिए, इसको अगर मैं एक्सपेंड करके बताऊं तो दैट इज डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। एक्चुअली मैंने बहुत लोगों से सुना कि मैम हमारा बच्चा बहुत छोटा है, हमें इसकी क्या ज़रूरत है, इससे तो करियर्स पता चलते हैं, अभी से करियर के बारे में जान के क्या करेंगे। सो आई थॉट कि मुझे इस बारे में भी आप लोगों से बात करनी चाहिए। एक्चुअली डीएमआईटी सिर्फ और सिर्फ करियर के बारे में नहीं बताता, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आपके पता चलते हैं। अब देखिए, मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्टिंग की अगर बात की जाए तो ये अपने आप में है मल्टीपल इंटेलिजेंस, दैट मीन्स आपके बहुत सारे इंटेलिजेंस या आपके अंदर जितने भी इंटेलिजेंसेस हैं या आपके अंदर जितनी भी काबिलियत है, जितनी प्रतिभाएं हैं, वो सारी चीज़ें पता चलती हैं। आपकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है। अगर दो रिश्ते हैं, कहीं दो लोगों के बीच का रिश्ता कहीं अनबन हो रही है, क्या नहीं लोग में आपस में अच्छी बन पा रही, तो व्हाट्स द रीज़न, क्या कहते हैं, वो हमें समझता ही नहीं है। दैट मीन्स अंडरस्टैंडिंग इज द बेस ऑफ एनी रिलेशनशिप, ठीक है, चाहे वो माँ बाप का हो, भाई बहन का हो, टीचर स्टूडेंट का हो, या पेरेंट चाइल्ड का हो, या हस्बैंड वाइफ का हो, कोई सा भी रिलेशन हो, अंडरस्टैंडिंग इज द बेस ऑफ एनी रिलेशनशिप। तो अगर हमारी किसी से अच्छी रिलेशनशिप है तो हम क्या कहते हैं, नहीं वो मुझे बहुत अच्छे से समझता है, ठीक है। दैट मीन्स अगर आप किसी इंसान को अच्छे से समझ सकते हैं तो उसके बारे में आप काफ़ी चीज़ें बिना कहे जान सकते हैं, जो एक हर इंसान की एक्सपेक्टेशन होती है, राइट। तो इसमें हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पर्सन पता चलती है कि आखिर उसका सोचने का तरीका क्या है, वो क्या चाहता है अपनी लाइफ से। एंड कई बार हम लोग खुद के बारे में कंफ्यूज होते हैं तो वो भी हमें पता चलता है। सेकेंड, अगर बात की जाए तो हमें इसके बारे में जब हम ये फाइल खोलते हैं तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, राइट। अब हमें पता चलता है कि हमारा ब्रेन कैसे फंक्शन करता है। देखिए, इतनी सारी चीज़ें हैं, ठीक, तो ऐसा नहीं कि इसमें एक ही चीज़ हमें पता चल रही है। देन जब हमें पूरे ब्रेन के बारे में पता है तो हमें टोटल ब्रेन कैपेसिटी भी पता है। दैट मीन्स आपका पूरा ब्रेन, कितनी देर आपका बच्चा बैठ के पढ़ सकता है, कितनी देर वो चीज़ों को ग्रास्प कर सकता है, कितनी उसकी लर्निंग पावर है और कितनी है। उसके अलावा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका बच्चा तेज़ी से याद करता है और भूल जाता है, ये भी एक समस्या है। और एक ये भी है कि याद करने में बहुत ज़्यादा समय लेता है, फोकस नहीं कर पाता, बीच में इधर उधर कूदता रहता है, कहीं भाग जाएगा, कहीं एक्सक्यूजेस देगा। तो आप क्या करते हैं, आप उसे डांटने लगते हैं। नो, प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट चाइल्ड, ठीक है, आप उसे समझिए क्यों होता है ऐसा। दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर लर्निंग एंगल या लर्निंग सेंसिटिविटी, ठीक है, दैट यू कैन गेट फ्रॉम दिस। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं लर्निंग पैटर्न। अगर मैथ्स को आप ओरली लर्न करना चाहें तो क्या आप लर्न कर सकते हैं, नहीं, सिर्फ टेबल्स आप लर्न कर सकते हैं बट कैलकुलेशन ओरली नहीं लर्न कर सकते। देन हर एग्ज़ाम ओरल भी नहीं होता, ठीक है, तो हर सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका अलग होता है। अगर बायोलॉजी में आपको डायग्राम्स नहीं बनाने आते तो उतना अच्छा आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जितना आप हिस्ट्री में कर पाएंगे विदाउट डायग्राम्स, ठीक है। तो हर चीज़ की इम्पोर्टेंस है। तो आपके बच्चे का लर्निंग पैटर्न क्या है, विजुअल, काइनेस्थेटिक और ऑडिटरी, ठीक है। इसके बाद इसमें साथ में आपको पता चलता है कि आपका कम्युनिकेशन एंड एनकरेजमेंट क्या होना चाहिए, मतलब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप अगले फिर से इसमें आ जाता है, ठीक है। तो पेरेंट और चाइल्ड के बीच में आपको बातचीत करने का तरीका क्या होना चाहिए, एज वेल एज आपको कैसे किसी को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि आपने आपको पता है आपकी अगर तारीफ की जाए तो आप अच्छे से परफॉर्म करते हैं, ठीक है। देन आपका सोचने का तरीका, आप एक लॉजिकल थिंकर हैं या एक इमोशनल थिंकर हैं, और अगर आपके बच्चे के बारे में आपको पता है तो आपके लिए उसे कन्विंस करना आसान हो जाएगा, वो प्यार से कन्विंस होगा या लॉजिकली कन्विंस होगा, ठीक। देन आपका बच्चे का टारगेट ओरिएंटेशन क्या है, दैट मीन्स वो अपना गोल किस माइंडसेट के हिसाब से फिक्स करता है, वो अगर आपको पता है तो आप उसी माइंडसेट, उसी पैटर्न के हिसाब से उसका टारगेट उसे फिक्स करवाएंगे, राइट। तो वो उस समय उसका टारगेट क्या है, पढ़ाई, और उसके अलावा भी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, डेली रूटीन डेवलपमेंट है। देन खाने पीने में बच्चों को दिक्कत आती है, वो नहीं मानते, ठीक है, हर पेरेंट की समस्या, मैम ठीक से खाता नहीं है, मैम बैठता नहीं है एक जगह,
मैम रोता रहता है, बहुत सारे इश्यूज हैं जो आपके से क्लियर आउट हो सकता है। देन कहते हैं ना कि बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो गए हैं और फ्रेंडली है, डांटना मुश्किल है, भाग जाते हैं, सुसाइडल अटैम्प्ट इतने बढ़ रहे हैं, तो क्या रीज़न है? आई क्यू सब करते रहते हैं पेरेंट्स के, हाँ मेरे बच्चे का आई क्यू अच्छा होना चाहिए। एवर यू थिंक अबाउट द इमोशनल क्वेश्चन ऑफ योर चाइल्ड, क्रिएटिविटी क्वेश्चन ऑफ योर चाइल्ड एंड एडवर्सिटी क्वेश्चन ऑफ योर चाइल्ड? आपका बच्चा स्ट्रेस सिचुएशन में कैसे डील करता है पता है आपको? या वो स्ट्रेस सिचुएशन में अगर डील नहीं कर पाता है तो उसको इम्प्रूव कैसे करना है नहीं पता? यू कैन गेट दिस फ्रॉम दिस डीएमआईटी रिपोर्ट। अब आते हैं करियर्स, बहुत बाद में आते हैं करियर्स, उससे पहले बहुत कुछ आता है जो इस डीएमआईटी से आपको पता चलता है। एंड ये हमारे काउंसलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको सही तरीके से इस रिपोर्ट को समझाएं, और जिसमें कि आपको लाइफ टाइम कंसल्टेशन फ्री मिल रहा है, आई डोंट थिंक एनी इश्यूज आर देयर विद दिस। देन आपके सारे पोटेंशियल्स, आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से आपकी रैंकिंग कहाँ बैठती है और कहाँ कौन कौन से, एक करियर थोड़ी होता है किसी इंसान के लिए। और करियर सिर्फ आपका नॉलेज बेस नहीं बनता कि आपने सीपीएमटी के एग्जाम क्लियर किया और आपका करियर बन जाएगा, नो। आप किस टाइप के डॉक्टर बन सकते हैं, आप किस टाइप के इंजीनियर बन सकते हैं, आपके अंदर सर्जन बनने के कैपेबिलिटीज स्किल्स हैं या नहीं है, आप सिविल इंजीनियर ज़्यादा अच्छे बनेंगे या आप आर्टिस्ट ज़्यादा अच्छे बन सकते हैं, आप एक सिंगर ज़्यादा अच्छे बन सकते हैं, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एवरी ऑप्शन इज ओपन हियर। और सबसे बड़ी चीज़ जो आप बनना चाहते हैं उसमें भी आपको मेरे काउंसलर्स हेल्प करते हैं कि वो स्किल डेवलपमेंट कैसे किया जाए। एंड उसके बाद जैसे मैंने शुरू में आपसे बात की थी, एडल्ट रिपोर्ट में रिलेशनशिप पैटर्न्स भी दिए जाते हैं जिसमें हम रिलेशनशिप्स पे काउंसलिंग करते हैं। सो आई होप इसके बारे में काफ़ी कुछ क्लियर है कि एक्चुअली डीएमआईटी सिर्फ करियर्स नहीं है, डीएमआईटी बहुत कुछ है। आप एक बार इसका प्रेजेंटेशन देखना चाहें तो आप लोग हमें कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करना चाहें तो भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड आई होप आई एम क्लियर विद दिस। थैंक यू।